22वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के 5000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 20 खेलों के 280 इवेंट्स होने हैं। इन गेम्स के जरिए ही भारतीय खिलाड़ी 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन इन सभी बातों में कई बार कॉमनवेल्थ विलेज की बात होती है, पर क्या आपको पता है कि ये विलेज क्या है और क्या ये हर देश में पहले से होते हैं या इन खेल गांवों को बसाया जाता है? इन सभी से जुड़ी कॉमनवेल्थ विलेज की कुछ खास बातें जानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से, जिन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कॉमनवेल्थ विलेज, जैसा कि लोगों को लगता है कि क्या होगा, विलेज है क्या है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा शहर वहाँ बन जाता है। विलेज में जो है, हर कंट्रीज़ की जब टीम्स अराइव होती जाती हैं तो एक दिन वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी, विलेज ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी कहते हैं उसको, सारे एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद नेशनल एंथम होता है और वो काफ़ी ऐतिहासिक पल होता है, क्योंकि इसमें अराउंड 5 to 10,000 पीपल उस वहाँ रह रहे होते हैं और हर कंट्री को एक एक अपार्टमेंट और एक एक बिल्डिंग अलॉट की जाती है, जिसमें कि सारे न केवल खिलाड़ी बल्कि ऑफिशियल्स भी उसमें रहते हैं और हर कंट्री का शेफ डी मिशन रिस्पॉन्सिबल होता है उन खिलाड़ियों की एक्टिविटीज़ के लिए। और विलेज में सभी तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर एक जिमनेजियम रहता है, फिर एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम है जिसमें कि सभी तरह के फूड्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये डाइनिंग हॉल या फूड जोन जो है 24 घंटे खुला रहता है, जिससे कभी भी खिलाड़ी ऑफिशियल्स वहाँ जाके ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक वेन्यू से दूसरी वेन्यू जाने के लिए खिलाड़ियों को, ऑफिशियल्स को फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट विंग अलग होती है वहाँ पे। तो एक तरह से विलेज में एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, जिसमें कि सब कंट्रीज़ के खिलाड़ी ऑफिशियल्स देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, मतलब एक वहाँ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है और एक विलेज जो है छोटा सा टाउन हो जाता है। दूसरा एक्सपीरियंस जो रहता है शेफ डी मिशन का, एक्साइटिंग जो मुझे लगा वो था कि जो इतना वास्ट डाइनिंग रूम है जिसमें करीब 5000 प्लेयर्स ऑफिशियल्स एक साथ खाना खाते हैं, तो हमें डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है, तो वो एक काफ़ी अद्भुत नज़ारा रहता है। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल रहता है कि जो बड़े एथलीट्स हैं जो फर्स्ट टाइम गए हैं, उनको दूसरे बड़े एथलीट्स के साथ मिलके बात करके उनसे जो है वो गाइडेंस और मोटिवेशनल चीज़ें पता लगती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमें उम्मीद है कि बैडमिंटन में हमारे खिलाड़ी काफ़ी मेडल्स जीतेंगे, टेबल टेनिस में लास्ट टाइम काफ़ी मेडल्स जीते थे, और जो है बॉक्सिंग, रेसलिंग, इसमें भी इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छे हैं, और हॉकी में भी जो है इंडिया का परफॉर्मेंस हमेशा से कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा रहा है। क्रिकेट में भी चांसेस हैं कि विमेंस क्रिकेट में इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी। इंडिया का परफॉर्मेंस लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था उसमें काफ़ी अच्छा था, इंडिया ने 66 मेडल जीते थे जिसमें 26 गोल्ड मेडल थे, और ये इंडिया का परफॉर्मेंस इंडिया के बाहर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। हम होप करते हैं कि इस बार इंडिया का परफॉर्मेंस और बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे खिलाड़ी जीतें और इस कॉमनवेल्थ गेम्स के मतलब देश का मान बढ़ाएँ। और इसी के साथ मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि फॉर अच्छे परफॉर्मेंस रहे और इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल वो जीतें।